हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस 36th लेक्चर ऑफ मैनेजमेंट। आई होप यू विल एंजॉय द लेक्चर। बिफोर आई स्टार्ट दिस, आई वुड लाइक टू रिकैप व्हाट एवर आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। सो ड्यूरिंग प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड लर्न दैट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज वेरी यूजफुल टूल्स फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। It is used to regulate the purchase and storage of inventory in such a way so as to maintain an even flow of production, at the same time avoiding excessive investment in inventory. यानी जो पिछले लेक्चर में हम लोग ये सीख चुके हैं, जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो परचेज और स्टोरेज के प्रोसीजर को इस प्रकार से रेगुलेट करता है ताकि जो है कि जो प्रोडक्शन का फ्लो है वो बना रहे और जो इन्वेंट्रीज है उसमें किसी प्रकार का एक्सेस इन्वेस्टमेंट का केस ना आए, ज़्यादा पैसा उसमें फंसा ना रहे। और इस लेक्चर में हम नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट परचेजिंग प्रोसीजर। सो लेट्स अस स्टार्ट विद लर्निंग आउटकम ऑफ दिस सेशन। ओके, सो आफ्टर दिस सेशन स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट, एक्सप्लेन द परचेजिंग प्रोसीजर, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परचेजिंग। तो ये आपको सॉल्व करने की एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी इस लेक्चर के बाद। तो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ परचेजिंग प्रोसीजर। तो परचेजिंग इज द एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग राइट मटेरियल्स टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन द राइट क्वान्टिटी एट द राइट प्लेस। ये सब कुमा होगा, सॉरी छूट गया है ना। अब जो है कि परचेजिंग एक क्रिया है, एक्टिविटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है गेटिंग राइट मटेरियल, सही सामान प्राप्त करने के लिए राइट प्लेस, सही स्थान पे और सही समय पे, और जो राइट क्वान्टिटी है उसमें ना, और जो मतलब जो क्वांटिटी जो निर्धारित की गई थी स्पेसिफिकेशन में उसमें, एंड एट द राइट प्राइस, और एक यथा उचित मूल्य पे। और एन ऑर्गेनाइजेशन परचेजिंग प्रोक्योरमेंट इज दैट फंक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फेज ऑफ मटेरियल साइकिल फ्रॉम द टाइम एन आइटम इज रिक्विशन अंटिल इट इज डिलीवर्ड टू द यूजर। अर्थात एक जो संगठन के लिए क्रय एक संगठन के लिए क्रय वह कार्य है जो भौतिक चक्र के उस चरण के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें जब तक यूजर को जो है डिलीवर्ड नहीं किया जाता तब तक उस वस्तु की मांग की जाती रहती है, यानी उसका शो करता है डिजायर्स की इट इज रिक्वायर्ड। तो दिस इंक्लूड सेलेक्शन ऑफ वेंडर्स, डिसाइडिंग प्राइस, निगोसिएशन ऑफ क्वालिटी एंड डिलीवरी। तो ये जो है परचेजिंग में चाहे वो पहले वेंडर का सिलेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद डिसाइडिंग प्राइस होगी उनके पास, एंड निगोशिएशन क्वालिटी और डिलीवरी को लेकर, कब तक डिलीवर्ड होगा, क्या क्वालिटी है, इन सारी चीज़ों को। तो इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, रिसीविंग, इंस्पेक्शंस, इन्वेंट्री कंट्रोल एट्सेट्रा, ये सब को भी इसमें इसके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। अब इन एनी वर्कशॉप और इंडस्ट्री परचेज मींस बाइंग ऑफ इक्विपमेंट, मटेरियल, पार्ट्स और टूल्स। कहीं भी चाहे वो इंडस्ट्री हो, वर्कशॉप हो, उसमें परचेजिंग का मतलब होता है मटेरियल को खरीदना, किसी पार्ट्स को या टूल्स को परचेज करना स्टोर के लिए एट्सेट्रा रिक्वायर्ड बाई इंडस्ट्री। एज वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज टू परचेज मटेरियल, हेंस परचेजिंग इज प्राइमरी फंक्शन। कंपटिटिव सेल्स कैन नॉट बी मेड अनलेस मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और फॉर रीसेल्स आर परचेज एट अल्टीमेट कॉस्ट विच इज कमेंसुरेट विद दैट अवेलेबल ऑफ कंपटीटर्स। यानी कहता है कि वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग बिजनेस इज परचेज। तो बिजनेस पहला है कि परचेज ऑफ मटेरियल्स, वाट एवर रॉ मटेरियल्स या सेमी फिनिश्ड गुड्स, हेंस परचेजिंग इज प्राइमरी फंक्शन।
अब जो है कि कॉम्पिटिटिव सेल्स कैन नॉट बी मेड अनलेस मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग और फॉर रीसेल्स आर परचेज्ड अल्टीमेट कॉस्ट। तो कहता है कि जो कॉम्पिटिटिव सेल्स है तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि जो निर्माण या पुनर्विक्रय के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है, जो मटेरियल्स है, उसको अल्टीमेट कॉस्ट पर नहीं खरीदा जाता जो कि उसके अनुरूप और प्रतियोगिता के लिए जो उपलब्ध हो। तो ये चीज़ जो है कि मायने रखता है यहाँ पे। दस परचेजिंग इज वन ऑफ द डेलिकेट एक्टिविटीज एंड पर्सन्स एम्प्लॉयड फॉर इट शुड बी सिंसियर ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट। जो परचेजिंग है वह एक नाजुक गतिविधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है और जो पर्सन उसमें एम्प्लॉयड है, जो जिसको जो उसके लिए अधिकृत है, उसको होनी चाहिए सिंसियर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। अब उसके बाद आते हैं परचेज प्रोसीजर पे। तो ये परचेज डिपार्टमेंट इज यूजुअली इंगेज्ड इन परचेजिंग ए नंबर ऑफ मटेरियल्स एंड सर्विसेज फॉलिंग इन डिफरेंट कैटेगरी। द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड रेगुलरली बाई परचेज प्रोफेशंस ऑल्सो विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फुलफिलिंग ऑर्गेनाइजेशंस मटेरियल्स सर्विस नीड्स। ओके, तो जो एक्टिविटीज है जो परफॉर्म वो हमेशा एक प्रोफेशनल के जो है उसके द्वारा ये एक्टिविटी जारी रखी जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है जो रॉ मटेरियल्स का उसको और सर्विस का उसको फुलफिल किया जा सके। देयरफॉर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रोक्योरमेंट एनवायरमेंट प्रैक्टिस एटसेट्रा द परचेजिंग सिस्टम्स एंड प्रोसीजर मे ऑल्सो वेरी सब्सिक्वेंटली। अब जो है कि वो जो परचेज का प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वो प्रोक्योरमेंट के नेचर क्या है, एनवायरमेंट किस तरह का है, परचेजिंग सिस्टम क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो लगातार चेंज होते रहता है। तो फॉर मीडियम इंडस्ट्री फ्लोइंग परचेजिंग प्रोसीजर इज जनरली अडॉप्टेड ऑल दो स्लाइट वेरिएशन कैन बी देयर डिपेंडिंग अपॉन सरकमस्टांसेस। जो एक मध्यम किस्म के उद्योग है उसके लिए जो ये मैंने यहाँ कुछ परचेजिंग प्रोसीजर का लिस्ट आउट किया है उसमें जो है कि वहीं फॉलो किया जाता है और इसमें भी हो सकता है स्लाइटली परिस्थितियों के अनुसार वेरिएशन हो सकता है। तो फर्स्ट है, आफ्टर रिसीविंग द परचेज रिक्विजिशन फॉर्म एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी परचेज्ड एंड इट्स स्पेसिफिकेशन इज डिसाइडेड। जब हमें जो है कि परचेज का रिक्विजिशन प्राप्त हो गया, उसका फॉर्म प्राप्त हो गया, तो हमें ये डिसाइड करना होता है एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल क्या होगा, उसका स्पेसिफिकेशन देखना पड़ता है कि किन किन क्या क्या चीज़ उसमें होनी चाहिए, विशेष विवरण उसका देखना होता है, वो डिसाइड करना होता है जो हमें परचेज के लिए रिक्विजिशन आए हैं। देन प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ सप्लायर। उसके बाद जो सप्लायर्स हैं, जो विक्रेता हैं, उनके लिस्ट बनाते हैं, डील्स विद बिजनेस ऑफ आर्टिकल्स टू बी परचेज एंड आर रिलायबल। यानी उसके बाद जो सप्लायर की एक सूची तैयार करते हैं जो खरीदी जाने वाली वस्तुओं को सप्लाई करते हैं, उसका व्यवसाय से संबंधित है और वो भी विश्वसनीय है ना, जो और साथ में बेचने वाले वो विश्वसनीय भी हों, रिलायबल भी हों। उसके बाद थर्ड है, इफ़ मटेरियल टू बी परचेज्ड इज ऑफ अ स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड अर्जेंटली इट मे बी परचेज्ड लोकली। और कहता है कि यदि खरीदी जाने वाली सामग्री कम मात्रा में हो और तत्काल आवश्यकता उसकी महसूस हो तो उसे स्थानीय स्तर पर भी खरीदा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हर स्थिति में जो है कि प्रॉपर चैनल से ही नहीं जा सकते, उसको हम लोकली भी परचेज कर सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, इफ़ नेसेसरी प्रिपेयर एंड इशू एन आई टी दैट इज नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। यदि ज़रूरत है तो उसके अनुसार जो है नोटिस जो है इनवाइटिंग टेंडर आप कीजिए और टू कंसर्न सप्लायर्स मेंशनिंग डिफरेंट टर्म्स कंडीशन डेट टाइम ऑफ ओपनिंग टेंडर, ये सब चीज़ को मेंशन करते हुए आप इसको नोटिस दे सकते हैं, टेंडर कर सकते हैं इसको। देन ओपन टेंडर एट प्रिस्क्राइब टाइम ऑन द प्रिस्क्राइब डेट
जो समय आपने निर्धारित किया है, जो डेट आपने निर्धारित किया है, उसी दिन सारे जो जिन्होंने टेंडर के लिए अप्लाई किया है वो आएंगे, और उसी दिन आपको उसको ओपन करना होगा सबसे सामने सामने, ठीक ना। सिक्स पॉइंट है, प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ रेट्स। अब जब खुलेगा सारे लोग का जो टेंडर, तो जो फॉर्म्स आए हैं टेंडर के लिए, देन उसके रेट का कंपैरिजन, टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन जो है उसमें टेंडर में, देन स्टडी देम, उनका कंपैरेटिव चार्ट बनाइए, फिर स्टडी कीजिए कि विच इज बेटर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एंड कंपैरेटिवली लेस, हैविंग लेस कॉस्ट विद हाई क्वालिटी। ये चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना। इफ रिक्वायर्ड सैंपल्स मे बी रिसीव्ड फ्रॉम द फॉर्म्स, यदि जो फॉर्म है उससे रिक्वायर्ड जो सैंपल है प्राप्त होते हैं, वो हैव कोटेड लोवेस्ट रेट, जो कि लोवेस्ट को रेट सबसे कोट किया है, यदि आपको सैंपल की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं। प्लेस परचेज ऑर्डर टू द फॉर्म सेलेक्टेड आफ्टर स्टडी ऑफ सिंपल रेट, सिंपल्स रेट्स, टर्म्स एंड अदर कंडीशन मेंशनिंग द डेट बाय विच मटेरियल मस्ट बी रिसीव, जिस डेट तक मटेरियल को रिसीव हो जाना चाहिए, यानी जो आपने देख लिया सब कोटेशन को, उसके बाद प्लेस परचेज ऑर्डर, ऑर्डर को प्लेस कर दीजिए जो सेलेक्टेड फॉर्म्स हैं उनके साथ, और स्टडी ऑफ सैंपल्स रेट्स टर्म एंड अदर जो भी कंडीशन है उसको क्लियरली मेंशन करके, और ये भी सुनिश्चित कर लेना होगा कि इस डेट तक मटेरियल हमारा रिसीव्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट है कि कॉपी ऑफ परचेजिंग ऑर्डर मस्ट बी सेंट टू स्टोर, जो परचेजिंग ऑर्डर की कॉपी है उसको एक स्टोर को भेजिए, देन टू डिपार्टमेंट हु हैज सेंट रिक्विजिशन, उसके बाद एक कॉपी उस डिपार्टमेंट को भेजिए जिन्होंने रिक्विजिशन भेजा है, जिन्होंने उसकी मांग की है, एंड देन टू अकाउंट सेक्शन, एक कॉपी उसको अकाउंट सेक्शन को भेजिए, एंड टू इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, और जो जांच पड़ताल वाला डिपार्टमेंट है जो उसके इंस्पेक्शन करेगा उस डिपार्टमेंट को भी एक कॉपी उसका सेंड कीजिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट इज ए डिटेल इंस्पेक्शन इज इनकर्ड, सॉरी कैरियड आउट, जब एक उसका डिटेल इंस्पेक्शन हो जाता है आफ्टर मटेरियल रिसीव्ड, जब मटेरियल रिसीव्ड होता है उसके बाद उसका डिटेल इंस्पेक्शन होता है, इफ मटेरियल इज फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, तब पाया जाता है कि हाँ मटेरियल जो है सही है, जो मैंने जो स्पेसिफिकेशन था, जो सारी चीज़ें मेंशन की गई थी वो सब चीज़ है, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम भी इसकी डिलीवरी की गई है, द बिल ऑफ सप्लायर इज पास्ड, तब जो है कि सप्लायर का जो बिल है वो पास किया जाता है, एंड पेमेंट इज मेड टू द फर्म, और उसके बाद जो है जो फर्म है उसको जो उसकी लागत है जो पेमेंट है उसको कर दिया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग, परचेजिंग की क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग इज टू ड्राइव मैक्सिमम वैल्यू फॉर ईच यूनिट ऑफ मनी स्पेंट इन, यानी जो मुख्य इसका जो उद्देश्य है वो हर एक मुद्रा की हर एक यूनिट के लिए अधिक से अधिक मैक्सिमम वैल्यू ड्राइव करना इसका उद्देश्य है। ए बायर हैज टू फाइंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, जब एक बायर है जो परचेज करने जाता है तो उसको माइंड में ये सारे क्वेश्चन को रखना होगा। पहला तो ये कि आर वी बाइंग एट राइट कॉस्ट, क्या हम सही कीमत पे इसको खरीद रहे हैं। सेकंड चीज, सप्लायर इज प्रोड्यूसिंग इट एट राइट क्वांटिटी और नॉट, जो इसके विक्रेता है, जो इसके आपूर्ति करता है, वो राइट क्वांटिटी में इसका उत्पादन किया है कि नहीं किया है ना। देन वेदर सप्लायर इज प्रोड्यूसिंग द राइट प्रोडक्ट और नॉट, और जो सप्लायर है रिलायबल की, जो विश्वसनीय की बात मैंने पहले कहा था, वो यहाँ उसका मतलब ये है कि जो सप्लायर है उस वो राइट प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है कि नहीं करता है, ये भी हमें जानकारी उसके फीडबैक अदर लोगों के फीडबैक से रहना चाहिए। वेदर मटेरियल विल कम एट राइट टाइम और नॉट, जो मटेरियल हमने ऑर्डर किया था वो सही समय पर हमें प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। वेदर बायर इज बाइंग फ्रॉम कंपनी और फॉर पर्सनल गेन, क्या बायर किसी कंपनी से परचेज कर रहा है कि पर्सनल गेन के लिए, ये भी देखना है कि आप किसके लिए खरीद रहे हैं। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू सब हेडिंग्स,
दूसरा वेडिंग्स में भी किया जा सकता है, फर्स्ट मैनेजरियल परस्पेक्टिव्स एंड फंक्शनल परस्पेक्टिव। तो फर्स्ट है फ्रॉम टॉप मैनेजरियल परस्पेक्टिव्स, जो परस्पेक्टिव्स है जो टॉप मैनेजर का, उसमें हमें ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट परचेज डिपार्टमेंट टू अचीव 5 राइट्स इन एक्विजिशन ऑफ मटेरियल। जो परचेज डिपार्टमेंट है 5 राइट्स उस मटेरियल में चाहिए। फर्स्ट की राइट क्वालिटी उसका सही हो, राइट सप्लायर हो, सप्लायर किसी प्रकार का मिलावट न करने वाला हो, सही हो, टाइम पर देने वाले हो, देन राइट क्वांटिटी, क्वांटिटी जो स्पेसिफाइड था टेंडर में वही होनी चाहिए, राइट टाइम पे डिलीवर जो स्टिपुलेटेड टाइम था उसी टाइम में वो डिलीवर्ड हुआ हो, एंड ऑन राइट प्राइस जो प्राइस फिक्स की गई थी टेंडर में वही होनी चाहिए। तो सिक्स फैक्टर्स इम्प्लाइड इन दीज आइटम्स इंक्लूड डिजायर्ड सर्विसेज नेसेसरी फॉर ऑप्टिमल सप्लाई एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स। यानी कि जो वस्तुओं में निहित 6 कारकों में सामग्री की जो ऑप्टिमल सप्लाई है और उसके यूज के लिए आवश्यक वांछित सेवाएं हैं उसको शामिल किया जाता जा सकता है एज ए सिक्स फैक्टर। तो ये जो है कि यहाँ जो मैनेजरियल परस्पेक्टिव है उसमें चाहे वो राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी की बात हो, राइट प्राइस की बात हो, राइट टाइम का, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अब उसके बाद हम आते हैं फ्रॉम ऑपरेटिंग और फंक्शनल परस्पेक्टिव। ओके, तो फंक्शनल परस्पेक्टिव से जो है फर्स्ट है अन इंटरप्टेड फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड सर्विस। जो मटेरियल्स है उसका निर्बाध बिना किसी बाधा के जो है सामग्री और सेवाओं का जो है प्रवाह बना रहे, टू बाई कम्पिटिटिवली, यानी दैट इज कंपैरेटिवली ऑन लो प्राइस विद हाई क्वालिटी। कंपिटिटिवली कि मतलब 4-5 कंपटीटर को मैंने दिया, उसके बाद जो सबसे लो कॉस्ट था और बेटर क्वालिटी थी उसी को मैंने सेलेक्ट किया। टू बाई वाइजली विच इन्वॉल्व्स ए कंटिन्यूअस सर्च ऑफ बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी सर्विस प्राइस टू बायर नीड्स। यानी ये कहता है कि टू बाई वाइजली, बुद्धिमानी से उसको खरीदी, विच इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस सर्च फॉर बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी सर्विस प्राइस। आप लगातार उसमें बहुत सारे टेंडर आए उसमें सर्च कीजिए और किसका बेटर कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन किसका, तो किसका क्वालिटी भी बेटर है, किसका सर्विस भी बेटर है और प्राइस भी जो बायर्स की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग है, जो ज़रूरत है, जो उसकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग है। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। एंड टू कीप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एट प्रैक्टिकल मिनिमम। जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, उसको व्यवहारिक रूप से कम रखने के लिए भी ये किया जाता है। नेक्स्ट है 5 पॉइंट, टू कीप इन्वेंट्री लॉसेज एट प्रैक्टिकल मिनिमम। और जो इन्वेंट्री नुकसान है उसको व्यवहारिक रूप से न्यूनतम पर रखने के लिए भी किया जाता है। टू डेवलप इफेक्टिव एंड रिलायबल सोर्सेज ऑफ सप्लाई, जो एक क्या बोल सकते हैं, प्रभावी और विश्वसनीय स्रोत सप्लाई का बनाने के लिए भी हम इसको मेंटेन रखते हैं। टू डेवलप एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद सप्लायर, और जो सप्लायर है, जो आपूर्ति करता है, उसके साथ एक अच्छा संबंध स्थापित रहे, इसके लिए भी इसको मेंटेन रखा जाता है। टू अचीव मैक्सिमम इंटीग्रेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द फर्म्स, और जो फर्म के अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ एक अच्छा क्या बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन रहे, उनके साथ अच्छा जुड़ाव रहे इसके लिए। एंड टू हैंडल परचेजिंग फंक्शंस इन प्रोफेशनल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर्स, अर्थात परचेजिंग फंक्शन को एक पेशेवर और लागत प्रभावी तरीके से संभालने के लिए भी ये किया जाता है। अब उसके बाद आते हैं हम फंक्शंस ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट। अब परचेजिंग डिपार्टमेंट का क्या कार्य है, परचेजिंग डिपार्टमेंट कौन कौन से कार्य करते हैं। तो टू मीट द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म फ्लोइंग फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन की जो ज़रूरत और जो उसकी मांग है उसको फुलफिल करने के लिए परचेजिंग डिपार्टमेंट निम्नलिखित कार्य करता है। अब उसमें से पहला जो कार्य है वो है टू परचेज मटेरियल्स ऑन प्रॉपरली ऑथोराइज्ड रिक्विजिशन। यानी पहला है कि जो अधिकृत मांग है उसके आधार पर मटेरियल को परचेज करता है।
सेकेंड है टू प्लेस ऑर्डर ऑफ रिक्विजिशंस गुड विद राइट सप्लायर। जो ऑर्डर है वो जो अपेक्षित वस्तु की के लिए जो ऑर्डर है वो राइट सप्लायर के साथ क्या बोलते हैं ऑर्डर प्लेस करता है। टू ऑब्टेन राइट टाइप एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एट चीपेस्ट प्राइस, जो सही टाइप्स के गुड्स हो और जो है कि क्वालिटी भी सही हो रेट भी चीपेस्ट हो वो प्राप्त करता है। टू परचेज राइट क्वांटिटीज इन राइट टाइम, और सही समय पर सही मात्रा में परचेज करता है। टू सी डिलीवरीज ऑफ ऑल गुड्स आर रिसीव्ड विद इन टाइम, और ये भी देखने के लिए कि जो जितनी भी सारी वस्तुएं हैं वो जो निर्धारित समय है जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसमें डिलीवर हो पाती है कि नहीं। एंड टू चेक एंड सी द गुड्स रिसीव्ड आर इन अकॉर्डेंस विथ ऑर्डर प्लेस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी एंड स्पेसिफिकेशन, और ये भी चेक करने के लिए कि जो ऑर्डर प्लेस किया गया है और उसके एवज में जो हमारे सामान हमें प्राप्त हुए हैं वो उनकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीज़ जो है टेंडर और जो स्पेसिफिकेशन में मेंशन था उसके अकॉर्डिंग जो है कि नहीं। एंड सेवेंथ पॉइंट टू एडवाइस द मैनेजमेंट रिगार्डिंग पॉसिबल इकोनॉमीज टू बी मेंटेन्ड बाई मैन्युफैक्चरिंग एन आइटम इंस्टीड ऑफ परचेजिंग और वाइस वर्सा, यानी जो खरीद के बजाय जो हम खरीद के लाते हैं उसके बजाय किसी वस्तु का निर्माण जो है संभव हो सके तो संभावित आर्थिक अर्थशास्त्र में ही बना करें, जिससे कि इस संबंध में वो मतलब प्रबंधन को सलाह देता है कि कहने का मतलब कि टू एडवाइस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को ये सलाह देता है रिगार्डिंग पॉसिबल इकोनॉमीज टू बी मेंटेन, जो है कि एक अर्थशास्त्र जो व्यवस्था मेंटेन किया जाएगा, और ये तब होगा जबकि हम हर चीज़ परचेज ना करें, कुछ चीज़ों को अंदर ही उसका निर्माण करें उसको बनाएं। नेक्स्ट है टू स्टडी द मार्केट कंडीशन आइदर इनटू ए रेट कॉन्ट्रैक्ट विद लार्ज सप्लायर्स टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑल द टाइम्स। ये कहता है टू स्टडी मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन का अध्ययन करता है आइदर इनटू रेट कॉन्ट्रैक्ट उसका रेट के संकुचन में और विद लार्जर सप्लायर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑल द टाइम्स, ये भी सुनिश्चित करने के लिए जो मटेरियल है वो लार्जर सप्लायर के पास हमेशा मौजूद है कि नहीं। एंड नेक्स्ट टू स्टडी द वेरियस सोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिसाइड द मोस्ट कन्वीनियंट एज वेल एज अल्टरनेटिव सप्लाई, और ये भी अध्ययन करने के लिए कि जो सप्लाई के सोर्सेज क्या क्या हैं और सबसे कन्वीनियंट स्रोत और अल्टरनेटिव सप्लायर्स कौन है। देन टेंथ नंबर टू मेंटेन लिस्ट ऑफ अवेलेबल एंड रिलायबल सप्लायर, उसके बाद एक लिस्ट बनाता है कि जो अवेलेबल सप्लायर्स हैं और जो विश्वसनीय सप्लायर हैं उनका। 11 टू कीप द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन अप टू डेट विद दियर नॉमिनल क्वांटिटीज फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, यानी ऑर्डर करने के लिए संगठन में आवश्यक वस्तुओं की सूची उनकी नॉर्मल क्वालिटीज के साथ अपडेट रखा जाता है, या रखने के लिए भी कि जो उसकी नॉर्मल क्वांटिटीज है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ है या नहीं है, यानी टू कीप लिस्ट आर्टिकल्स नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन अप टू डेट। अब टू प्रिपेयर अ स्पेसिफिकेशन टू ऑब्टेन कोटेशन होगा, ये जो है ना ए टर्म ये होगा QUOTION, ओके कोटेशन। नाउ ऑब्टेन कोटेशन एंड कंपेयर दीज कोटेशंस एंड प्लेसिंग ऑर्डर, वो एक कोटेशन की मतलब जो कोटेशन प्राप्त करने के लिए और निर्देश तैयार करना और इन कोटेशन की
तुलनात्मक अध्ययन कर ऑर्डर प्लेस करना, उसका तुलना करके विच इज बेटर एंड चीप एंड बेस्ट कौन है उस अफेयर ऑर्डर प्लेस करना टू इंश्योर दैट सप्लायर एक सेकेंड टू इंश्योर दैट सप्लायर्स पेमेंट्स आर मेड प्रॉम्प्टली सो दैट बेटर रिलेशनशिप रिलेशंस आर मेंटेन। ये भी सुनिश्चित करना कि जो सप्लायर्स का पेमेंट है वो जल्द से जल्द हो जाए ताकि एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रहे, अच्छा रिलेशनशिप कायम रहे। एंड टू परचेज डायरेक्टली ऑल स्मॉल आइटम्स विच डू नॉट रिक्वायर कोटेशन। और जो है जितने भी कहने का मतलब है कि जो भी छोटी छोटी आइटम है उसके लिए कोटेशन की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत है उसको परचेज करने के लिए। टू कंसीडर फर्स्ट इंटरेस्ट ऑफ इंटरप्राइज, और जो हमारे उद्योग की हित है उस पे पहले विचार करने के लिए फर्स्ट जो है कि विचार करता है कि भाई किसी प्रकार का उस पे जो है कि कंटिन्यूअस सप्लाई में हर्डल्स ना आए। टू कंसीडर फर्स्ट इंटरेस्ट ऑफ इंटरप्राइज एंड सिस्टिंग दैट इज लास्ट इज असिस्ट परचेजिंग एजेंट्स कोऑपरेट ऑल रेज डेवलपमेंट्स एंड परचेजिंग स्टैंडर्ड्स। अर्थात क्रय एजेंट को सहायता करने के लिए सभी कारपोरेट विकास और क्रय मानकों को बढ़ाने के लिए, तो इन सारे कार्य को लिए जो है वो परचेजिंग डिपार्टमेंट के हैं। परचेजिंग डिपार्टमेंट ये सब काम फंक्शन करके वो जो ऑर्गेनाइजेशन के ज़रूरत है उसको और जो नीड्स है उसको कम्प्लीटली जारी रखता है। तो इसी के साथ मैं इस व्याख्यान का अंत करता हूँ। तो इस व्याख्यान में हम लोग क्या पढ़े, तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट ड्यूरिंग दिस सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ परचेजिंग प्रोसीजर, देन परचेजिंग प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परचेजिंग, देन फंक्शंस ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट स्टेप्स इन परचेजिंग। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।